हर बात तो बोल रहा हूँ, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है 1 बजे। आप लोग आजकल दोपहर को सास बहु साजिश चलाते हैं एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, और सुबह 7 बजे उठते ही टीवी ऑन करते ही इनकी माँ बेटे और चाइना पे साजिश इनकी चल रही होती। जमीन चला गया, कहाँ चला गया, आर्मी झुक गई, आर्मी सरेंडर हो गई। भैया मैं एक सवाल पूछता हूँ अखिलेश जी से, अखिलेश जी आप क्या मानते हैं कि इंडिया की मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है? आप मानते हैं क्या कि सरेंडर कर दिया है? इसका उत्तर दे दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। देखिए एक बात आप याद रखिए, आज दो चीजें हुई, एक तो राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया है और दूसरा चाइना ने एक टिकटॉक वीडियो रिलीज किया है कि एक वीडियो रिलीज किया है कि चाइनीज सोल्जर जो है, जवान जो है, वो सोया हुआ है बंदूक लेकर, उसका बंदूक कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो जाग जाता है। ये दोनों चाइना और ये जो गांधी वाड्रा परिवार है, ये दोनों टिकटॉक पर ही ठीक है, इनको टिकटॉक लेवल पर लिखिए, और बाकी एक्सपर्ट लेवल के लिए यहां पर के सिन्हा जी हैं, यहां पर बाकी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आके आपको समझा के जा रहे हैं कि किसी ने सरेंडर नहीं किया है। अकेले अखिलेश जी, एक सेकंड, हुआ, आपने भी 3 मिनट बोल लिया, बस एक, हाँ मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। आपके चैनल ने भी आज आपने जो रिपोर्ट दिखाया, आप लोग भी तो रिसर्च करके रिपोर्ट दिखाते हैं, आपने क्या कहा है, चीन चारों खाने चित, कामयाबी, बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की, तो आप लोगों ने रिसर्च करके किया है ना ये सब कुछ। अखिलेश जी, राहुल गांधी अपना वार कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें ये कहा और कहा कि सोनिया जी आज हम ये स्पष्ट करके आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दी है। दुख का विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है। देखिए मैं आपके ही शुरुआत के बातों से जवाब देना शुरू करता हूं। शुरू में आप ही ने कहा, शुरुआत की बात तो शुरुआत में होगी, अब इस सवाल का जवाब देखिए, बड़ा लंबा समय निकल जाएगा। वही मैं कर रहा हूं, और जैसे खामोशी से आप उनको सुने थे संबित पात्रा को, उसी तरह आप हमें भी अवसर देंगे। आपने शुरू में कहा चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है, ये आपके वर्ड हैं। जी जी, संबित पात्रा ने अभी कहा